हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील बिस्ट दिस साइड। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज़, तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन योजना में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस के विरोध स्वरूप सम्मिलित नहीं हो सका? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट की स्थिति से बाहर निकलने के लिए वर्ष 1933 में लंदन में आयोजित किए गए वैश्विक सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 60 कंट्रीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत संरक्षणवादी नीति को समाप्त कर आपसी सहयोग पर बल देने का प्रस्ताव किस सम्मेलन में सबके समक्ष रखा गया? तो ये लंदन सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी के कारण संपूर्ण विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितने प्रतिशत से अधिक मंदी दर्ज की गई? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है 60%। और ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में आया था, जिसका प्रभाव इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे देखा गया था। फ्रांस का पेरिस कम्यून क्या था? ये श्रमिकों की सरकार थी, द गवर्नमेंट ऑफ लेबर क्लास। पेरिस कम्यून शासन कितने दिनों तक अस्तित्व में रहा? तो लगभग ये 6 महीने 72 दिन रहा था। कैथोलिक सामाजिक शिक्षण परंपरा का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो पोप लियो 13 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमम नोवारम किसकी कृति है? पोप लियो 13 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन क्या था? तो इसको चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो जनता का आज्ञा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में सही है? तो उनकी स्थिति दयनीय थी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही दयनीय स्थिति थी औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड में शुरू हुई थी। भारतीय बुनकरों के समक्ष निर्यात बाजार के समापन व स्थानीय बाजारों के संकुचन की समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सूती कपड़े की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ और किस सन में स्थापित की गई? तो बम्बई में 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1860 के दशक में उत्तर भारत की एल्गिन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद व मद्रास में प्रथम कताई मिल किस सन में आरंभ हुई थी? 1874 में। औपनिवेशिक भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। भारत की प्रथम जूट मिल किस वर्ष व किस स्थान पर लगाई गई? बंगाल में 1855 में। तो जूट आपको ध्यान रखना है, जूट मिल जूट 1860 में के दशक में किस देश में गृह युद्ध आरंभ हो जाने से ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति बंद हो गई थी? तो अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में जिस टाइम पे गृह युद्ध हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज भारतीय अफीम का निर्यात चीन को करते थे, इसके बदले वह किस चीज़ का क्रय करके इंग्लैंड भेजते थे? तो चाय का। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस चीज़ को। 18वीं शताब्दी में भारत में 6 संयुक्त उद्यमों की स्थापना किस व्यापारियों द्वारा की गई थी? तो द्वारकानाथ टैगोर, जो कि एक भारतीय व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध तक भारत के विशाल औद्योगिक क्षेत्र को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था? यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों के द्वारा। JN टाटा ने भारत को पहला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया था? तो जमशेदपुर में क्या था, जमशेद जी टाटा जो थे इन्हीं के नाम पे इसका शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा था। भारत में दूसरा एल्यूमिनियम कारखाना इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड के नाम किस वर्ष स्थापित किया गया? 1938 में। भारत में प्रथम जूट उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो रिसरा में। भारत में प्रथम जूट उद्योग कारखाना किसने लगाया था? तो जॉर्ज ऑकलैंड ने। ठीक है, जॉर्ज ऑकलैंड जो कि एक वायसराय थे, ठीक है, ब्रिटिश की तरफ से, तो उन्होंने उस टाइम पे लगाया था, जॉर्ज ऑकलैंड ने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।